हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। पेरेंट्स, मैं आपसे यह बताना चाहूँगी कि ओलंपियाड एग्ज़ाम की तैयारी में मैं रीजनिंग को चैप्टर वाइज लेकर आ रही हूँ। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 एनालॉजी। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी पेरेंट्स, न सिर्फ ओलंपियाड एग्ज़ाम के लिए बल्कि रेगुलरली भी आप अपने बच्चों को रीजनिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं तो उसे ब्रेन शार्प होता है। एक तरह के पजल्स क्वेश्चंस होते हैं जिसे बच्चे सॉल्व करने के बाद उनके दिमाग जो है शार्प हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 एनालॉजी। इन एनालॉजी पेयर ऑफ फिगर आर गिवन टू ईच साइड ऑफ देयर इज सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन ईच पेयर। एनालॉजी में दो इच पेयर में एक सर्टन रिलेशनशिप होता है, एक निश्चित रिलेशनशिप होता है। द स्टूडेंट हैज़ आइडेंटिफाई द रिलेशन एंड गिवन पेयर एंड फाइंड द मिसिंग फिगर। स्टूडेंट्स को उन फिगर के बीच के रिलेशनशिप को फाइंड करना होता है या फिर जो फिगर मिसिंग होती है उसको फाइंड करके उसे कंप्लीट करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। देयर इज अ सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर ऑन द आइदर साइड ऑफ। आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द लेफ्ट पेयर एंड द मिसिंग फिगर। इसमें जो रिलेशनशिप बताया गया है उसी प्रकार ये मिसिंग फिगर है उसमें भी वही रिलेशनशिप बताकर इसे हमें बताना है। तो हम देख रहे हैं ट्रायंगल जो है फिगर 1 में, फर्स्ट फिगर रोटेट वर्टिकली अपवर्ड, इसको क्या हो गया, रोटेट करके अपवर्ड हो गया। उसी प्रकार ये फिगर भी जो है रोटेट करके अपवर्ड हो जाएगा। तो सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम देख पा रहे हैं ए पिक्चर ज्वाइन हो जाएगा, ये इसके अंदर ज्वाइन हो जाएगा। उसी प्रकार ये पिक्चर्स में ये इसके अंदर ज्वाइन हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन द फिगर 1, 3 और 2, 4। इसमें फिगर 1 और 3 के बीच में एक सर्टन रिलेशनशिप है तो उसी प्रकार हमें 2 और 4 के बीच में क्या रिलेशन है तो उस फिगर के मिसिंग को हमें कंप्लीट करना है। अब हम देख रहे हैं फिगर 1 और फिगर 3 में रिलेशन ये है कि ब्लू एलिमेंट्स आउटलाइन बिकम्स डॉटेड। इस पिक्चर्स 1 के पिक्चर्स को पिक्चर्स 3 में डॉटेड से आउटलाइन किया गया है। उसी प्रकार 2 पिक्चर्स को 4 में पिक्चर वही रहेगा लेकिन आउटलाइन डॉटेड से किया गया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 6 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। देयर इज अ सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर ऑन द आइदर साइड ऑफ। आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द लेफ्ट पेयर एंड फाइंड द मिसिंग फिगर। इसमें हमें बताया जा रहा है कि ये जो रिलेशनशिप इस फिगर से है तो मिसिंग में हमारा कौन सा फिगर रहेगा। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन 4 में आउट अबव पिक्चर जो है एंड बिलो फिगर एलिमेंट्स, बिलो एलिमेंट्स एंड अबव एलिमेंट्स इंटरचेंज देयर पोजीशन। सो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बिलो एलिमेंट्स एंड अबव एलिमेंट्स इंटरचेंज द पोजीशन। तो ये बिलो एलिमेंट्स यहाँ ऊपर चला जाएगा और अबव एलिमेंट्स नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार के ऑप्शन हमारा 4th B में दिख रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब पिक्चर 5th हम देखते हैं। जिस प्रकार ये पिक्चर्स में ये रिलेशन एक निश्चित रिलेशनशिप है उसी प्रकार इस पिक्चर्स में मिसिंग पिक्चर्स को रिलेशनशिप हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम ये देख रहे हैं फर्स्ट फिगर जो है आगे जाकर अलग अलग ट्रायंगल में सेपरेट हो जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट फिगर भी जो है
अलग अलग पार्ट में सेपरेट हो जाएगा. सो डिवाइडेड पार्ट गेट सेपरेटेड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिक्स. फर्स्ट फिगर एंड सेकेंड, फिर ये रिलेशन क्वेश्चन मार्क की जगह जो मिसिंग फिगर्स है वो हमें आइडेंटिफाई करना है. तो इसमें हम देख रहे हैं सेकेंड फिगर कैन बी ड्रॉ फ्रॉम फर्स्ट फिगर. क्या हो रहा है, सेकेंड फिगर जो है फर्स्ट फिगर से ड्रॉ किया गया है. तो इसी प्रकार ये इसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सेकेंड फिगर हो रहा है जो फर्स्ट फिगर से ड्रॉ किया जा सके. तो फर्स्ट फिगर ये है जिससे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन. देयर इज अ सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन द फिगर वन एंड थ्री, टू एंड फोर. अब इसमें रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, वन एंड थ्री में सेम रिलेशंस हो रहे हैं एंड टू और फोर में सेम रिलेशन हो रहा है. तो वन एंड थ्री, टू एंड फोर. सो आइडेंटिफाई द रिलेशन एंड फाइंड मिसिंग फिगर. अब हमें रिलेशनशिप को देखते हुए मिसिंग फिगर को आइडेंटिफाई करना है. तो हम देख रहे हैं कि टू एंड फोर में क्या हो रहा है, फिगर वही है लेकिन अंदर के जो इसके सर्कल हैं वो अलग अलग सेपरेट हो गए हैं. तो नेक्स्ट इसमें भी क्या होगा, ये फिगर जो है अलग अलग हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे. सो ऑल द एलिमेंट्स आर प्लेस सेपरेटली. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट. देयर इज सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर ऑन आइदर साइड ऑफ आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द लेफ्ट पेयर एंड फाइंड द मिसिंग फिगर. इसमें भी हम ये दो फिगर्स में एक निश्चित रिलेशनशिप है, इसी आधार पर हमें नेक्स्ट इस पिक्चर्स के रिलेशनशिप को फाइंड करना है. तो इसमें हम देख पा रहे हैं वन मोर सेम फिगर इज एडेड ऑफ डिफरेंट कलर एंड ऑल्सो साइज इज रिड्यूस. अर्थात इसी सेम फिगर के एक वन मोर फिगर ऐड हो जाते हैं और डिफरेंट कलर में वो हो जाते हैं और उनकी साइज जो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है. तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, दो फिगर हो जाएगा और दोनों के कलर डिफरेंट हो जाएंगे और साइज रिड्यूस हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन. देयर आर सर्टेन फिगर बिटवीन द फिगर वन एंड थ्री एंड टू एंड फोर, आइडेंटिफाई द रिलेशन. ये इसके ऑप्शंस हैं. सो इसमें हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट एंड थ्री क्या हो रहा है, ट्रायंगल अलग अलग सेपरेट हो गए हैं. उसी प्रकार टू में भी क्या होगा, ये पिक्चर्स सर्कल बीच में रहेंगे और बाद में ये सारे सेपरेट हो जाएंगे. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 टू 20 के लिए डायरेक्शन है. देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर ऑन द आइदर साइड, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द लेफ्ट पेयर एंड द फाइंड मिसिंग फिगर. अब ये दो फिगर दिए गए हैं, थर्ड फिगर दिए गए हैं एंड फोर्थ फिगर जो है मिसिंग है. इन दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड फिगर में जो रिलेशनशिप है उसी आधार पर हमें इन दोनों फिगर में भी एक निश्चित रिलेशनशिप बतानी है. तो हम देख रहे हैं कि स्क्वायर एंड सर्कल है. तो ये हमारा क्या हो रहा है, इनर सर्कल जो है आउटर साइड में चला गया है और स्क्वायर जो है इनर हो गया है और इसके शेडेड जो है चेंज हो गए हैं. मतलब क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो गया एंड अंदर के इनर पोजीशन में कलर है. सो इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, दोनों पोजीशन एलिमेंट्स के जो है पोजीशन चेंज हो जाएंगे और अंदर के कलर शेडेड रहेंगे. तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और सर्कल अंदर चला जाएगा एंड सर्कल जो है शेडेड रहेगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 11. इन दो फिगर में जो रिलेशनशिप है उसी में हमें थ्री और फोर्थ में रिलेशनशिप बताना है. तो हम ये देख रहे हैं इनर शेडेड अनशेडेड जो फिगर है वो चार भाग में डिवाइड हो गया है और वो शेडेड हो गया है एंड आउटर साइड जो है एलिमेंट्स है
वो अनसेटेड हो गया है। उसी प्रकार इसमें हम देखेंगे कि ये फिगर जो है आउटर साइड फिगर जो है अनसेटेड हो जाएगा और अंदर वाले फिगर सेटेड हो जाएंगे और डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट एंड सेकंड फिगर्स थर्ड एंड फोर्थ फिगर में रिलेशन बताना है। तो हम देख पा रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड फिगर बोथ एलिमेंट्स आर जॉइंड आल्सो अनसेटेड पार्ट बिकम सेटेड, यानी फर्स्ट एंड सेकंड फिगर दोनों जॉइंड हो जाते हैं और अनसेटेड फिगर जो है सेटेड हो जाते हैं। इसी प्रकार ये भी जो है दोनों फिगर जॉइंड हो जाएंगे और अनसेटेड फिगर सेटेड हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अब हमें देखना है वन एंड टू फिगर में जो रिलेशनशिप है वही हमें थर्ड एंड फोर्थ में करना है। तो हम देख रहे हैं डॉटेड लाइन जो है एंड आउटर लाइन इज इंटरचेंज ऑल्सो अनसेटेड पार्ट्स बिकम सेटेड, मतलब ये डॉटेड लाइन जो है अंदर आ जाता है और ये ट्रायंगल जो सेडेड पार्ट है वो बाहर आ जाता है, यानी दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है और अनसेडेड जो पार्ट है वो भी सेड हो जाते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, ये पार्ट जो है हमारा सेडेड हो जाएगा और ये डॉटेड जो लाइन है वो अंदर डॉटेड हो जाएगी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंदर वाले डॉट हो जाएंगे और बाहर वाले लाइन जो है ये अनसेडेड पार्ट सेड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन दोनों पिक्चर्स में जो रिलेशन है वही हम इसमें देखेंगे। तो ये हमारा हो जाता है अनसेडेड पार्ट बिकम सेडेड, यानी अनसेडेड पार्ट जो है ये बिकम सेडेड हो जाते हैं एंड सेडेड पार्ट बिकम अनसेडेड हो जाते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा, अनसेडेड पार्ट बिकम सेडेड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये वन एंड टू फिगर में जो रिलेशन है वही थर्ड एंड फोर्थ में रहेगा। तो हम देख पा रहे हैं वन एंड टू फिगर क्या है, फिगर फ्लिप वर्टिकली, फिगर फ्लिप क्या हो जा रहा है, वर्टिकली हो रहा है, यानी नीचे की पोजिशन जो है ऊपर वर्टिकल हो जा रहा है और नीचे जो है एक डॉट एक लाइनिंग जो है और एडेड हो जा रही है। तो इसमें भी क्या होगा, ये फिगर जो सीधा हो जाएगा यहाँ पर आकर इस प्रकार, और ये लाइनिंग कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये नीचे आकर क्या हो जाएगा, 5 लाइन हो जाएगी, 1 2 3 4 5, और ये हमारी ऐसे शेडेड हो जाएगी। तो ये पोजीशन क्या है, सी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो लेकर मैं आते रहूँगी। अभी हमारा टॉपिक रीजनिंग चल रहा है, आई होप पेरेंट्स आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी। और प्लीज़ अगर थोड़ी भी आपको मदद मिलती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।